हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग के सीचना क्लास 12 एक्सरसाइज 19.8 का क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, तो इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम पुट कर लेंगे, क्या पुट करेंगे, तो देखिए एक्स क्यू माइनस वन पावर 1/3 है, तो इन्हीं के अंदर में जो है वो उनको हम टी पुट कर लेंगे, टी इक्वल टू पुट कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस वन। अब इनका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये डी टी बटे डी एक्स इक्वल टू ये 3x² माइनस वन का तो जीरो हो जाएगा, तो देयर फोर डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये डी टी बटे ये 3x². अब हम क्वेश्चन से चलते हैं, नाउ ये हमारा है ये एक्स क्यूब माइनस वन के पावर जो है वह टी के पावर, तो हम 1/3 लिख सकते हैं, और ये देखिए एक्स के पावर 5 और ये डी एक्स के स्थान पर डी टी बटे ये 3x² ये कट कट जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है वह टी पावर जो है वो 1/3 x³ dt है। तो अब देखिए यहाँ से हम एक्स क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस वन को इस साइड भेज देंगे तो t+1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है वह हम वैल्यू रख देंगे टी पावर 1/3 × 1+t और ये dt हो गया, ये इतना हो गया। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टी पावर 1/3 + ये देखिए टी पावर 1 है तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये टी पावर जो है वह 4/3 हो जाएगा, ये इतना हो गया और ये dt। अब इनका जो है वह इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये 3 ये 1/3 + 1 ये 4/3 यानी 3/4 और ये जो है वह 3/4 और टी पावर 4/3 + ये जो है वह यानी कि 7/3 ये 3/7 टी पावर 7/3 + c। अब हम वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, ये जो है वह कितना होगा एक्स क्यूब माइनस वन के पावर 4/3 + ये 3/7 × ये एक्स क्यूब माइनस वन के पावर 7/3 + c, ये जो है वह इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये गिवन दिया हुआ था तो चलिए इनको हम पुट कर देते हैं। पुट टी इक्वल टू जो है वह 9 − 4x² को पुट कर देते हैं। अब इनका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी टी बटे डी एक्स इक्वल टू ये 0 हो जाएगा माइनस ये 8x हो जाएगा, तो देयर फोर यहाँ से डी एक्स इक्वल टू निकाल लेंगे तो माइनस डी टी बटे जो है वह 8x हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन से चलते हैं, नाउ क्वेश्चन में है हमारा x बटे ये इसके स्थान पर t और ये डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी बटे 8x, ये हो गया x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/8 कॉन्स्टेंट है तो बाहर 1/t dt थी, वो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड t होता है, तो माइनस 1/8 लॉग मोड t + c, ये इतना हो गया तो माइनस 1/8 लॉग t के स्थान पर वैल्यू लग देंगे तो ये 9 माइनस ये 4x² + c, ये जो है हुआ इसका हमारा क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।